फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लाया हूँ पांच सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्ड विच इज़ एड्यू। एड्यू आज का हमारा पहला शब्द है, जो एक इंटरजेक्शन है और इसे हम फाइनल फेयरवेल के समय कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहते हैं या गुड आफ्टरनून कहते हैं। इसके सिनोनिम्स में फेयरवेल, गुड बाय, वेलडिक्शन जैसे सब शब्द आते हैं। वेराज एंटोनिम्स में ग्रीटिंग्स, सैल्यूटेशन और वेलकम जैसे शब्द होते हैं। अब एड्यू से बना एक सेंटेंस देखेंगे जो आपके स्क्रीन के सामने है। दे बिड देयर एड्यूज एंड वर ऑफ। उन्होंने अलविदा कहा और चले गए। अब आज का हमारा दूसरा शब्द है बिसीज। बिसीज का मतलब है किसी से निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी से भीख मांगना कुछ करने के लिए। इसके सिनोनिम्स में आज का पहला शब्द हम देखते हैं एंट्रीट, दूसरे वर्ड के रूप में अपील, तीसरा शब्द है इम्प्लोर, चौथा बेग, पांचवा क्रेव। एंटोनिम्स में ठीक उसका उल्टा, जहां आप एंट्रीट करते हैं, इल्तिजा करते हैं या गिड़गिड़ाते हैं किसी के सामने, तो इसके एंटोनिम्स में क्या आता है? कमांड, डिमांड, इंसिस्ट, इंटिमिडेट। अब इस वर्ड से बना एक सेंटेंस देखेंगे जो आपके स्क्रीन के सामने है। द डियर आर्डेंटली बिसीज्ड द टाइगर नॉट टू ईट इट। डियर ने उससे बहुत मिन्नत की, उससे उसके सामने गिड़गिड़ाया कि वो इसे ना खाए, टाइगर उसे ना खाए। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कजोल। कजोल का मतलब है चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को मना लेना, किसी को अपनी बातों पे राजी कर लेना, किसी से कोई काम निकलवाना। इसमें हमारा पहला शब्द है सिनोनिम्स में फ्लैटर, वीडल, नेक्स्ट कोक्स, उसके बाद परसुएड, टेम्प्ट, ल्यूर। अब इसके एंटोनिम्स में ठीक इसका उल्टा, जहाँ फ्लैटर करके उससे चिकनी चुपड़ी चापलूसी करते हैं, यहाँ पे बिली करते हैं, उसको परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, बिली कर रहे हैं, डिसुएड, डिसकरेज, डिसइंचेंट, डिसगस्ट या रिपेल। अब इस शब्द से बना एक सेंटेंस देखते हैं, स्क्रीन के सामने है आपके। लीला कजोल्ड हर मदर टू बाई हर अ डॉल। लीला ने मना लिया चिकनी चुपड़ी बातें करके, अपनी मासूमियत दिखा के, अपनी माँ को कि वो उसे एक डॉल दिला दे। अगला शब्द है एब। एब को दो रूप से यूज़ करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे शब्दों को दो रूप, कई सारे रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस शब्द को यहाँ पर हमने दो तरह से रखा है। नाउन के अगर रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, व्हेयरएज इफ वी यूज इट एज अ वर्ब इट मींस टू रिसीड और टू फॉल अवे, यानी कि कम हो जाना, घट जाना, गिर जाना, किसी चीज में गिरावट आना। तो इसके सिनोनिम्स में हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं, पहला है रिसीड, दूसरा डिक्लाइन, तीसरा अबेटमेंट, डिमिनिश, वेन, फ्लैग। इस सब का मीनिंग घट, एक गिरावट या गिर जाने के, कम हो जाने के हैं। अब ठीक वही एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स में देखते हैं कि कुछ शब्द हैं एडवांस, जो ठीक इसको ऑपोजिट है, जहाँ एक गिरावट, इसके एब का मतलब था एक तरह का गिरावट, कमी, नीचे आना, तो यहाँ एडवांस यानी कि ऊपर जाना, आगे बढ़ना।
दूसरा एंटोनिम है इसका डेवलपमेंट, तीसरा एवोल्यूशन, चौथा प्रोसीड, पांचवा इंटेंसिफाई और छठा इम्प्रूव। अब इस शब्द को दो तरह से हमने यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है कि कैसे नाउन के रूप में यूज़ होता है, कैसे वर्ब के रूप में यूज़ होता है। नाउन वाला ऊपर एक सेंटेंस दिया है, अ सरप्राइजिंग एब इन द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप इन गुड्स कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री। सो उस कंट्री से आने वाली चीज़ों में कारीगरी में एक गिरावट है, एक हैरतनाक गिरावट देखने को नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एब जो यूज़ किया हमने, ये नाउन के रूप में यूज़ किया है। अगला एक सेंटेंस देखते हैं, द हाउलिंग विंड्स एब्ड, तूफान जो तेज़ हवा थी, ड्राउनी जो हवा है, तेज़ तूफान था, वो कम हो गया एज अ हरिकेन मूव्ड इन टू द इंटीरियर, जैसे ही अंदर आए हरिकेन। तो यहाँ हमने दोनों रूप से देखा इसको यूज़ करके। अगला आखिरी शब्द है आज का हमारा, डैंडी, इसका मतलब है जो अपने आप में सबसे अच्छा हो, अपनी तरह के लोगों में सबसे अच्छा हो, जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, मार्वेलस हो, अनोखा हो, अलबेला हो। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स में कॉक्सकॉम, फॉप, स्टाइलिश, ऑसम, ब्यू, डूड, ब्यू ब्रामल, फेमस, कूल, फैबुलस, हंकी डोरी, मार्वेलस जैसे शब्द हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं डैंडी वर्ड के। अब इसके एंटोनिम्स को देखते हैं। एंटोनिम्स में देखते हैं ठीक उसका उल्टा, स्लॉब, स्लोवन, लाउजी। इस सब का मीनिंग कहीं ना कहीं बहुत ही भद्दा, कम अच्छा या फिर बुरा अपने आप में, इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही मामूली, ऑर्डिनरी, एकदम आम, इन्फीरियर और स्टिंकर जैसे शब्द हैं। अब इसके ऊपर हमने तीन एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेंटेंसेस बनाकर। पहला जो सेंटेंस है, व्हाट अ डैंडी लैपटॉप यू हैव, कितना शानदार, कितना कूल तुम्हारा लैपटॉप है। दैट्स डैंडी जिमी वैलेंटाइन, ये आपने अपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा ये सेंटेंस, जिमी वैलेंटाइन टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी से लिया हुआ है। दैट्स जैम डैंडी जिमी वैलेंटाइन, ये तो वही फेमस जिमी वैलेंटाइन है। इट्स ऑल फाइन एंड डैंडी बट हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये सारा तो ठीक है, बहुत शानदार है, बट ये कॉस्ट कितना करता है। तो ये थे हमारे आज के 5 सिनोनिम्स और उनके एंटोनिम्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।